हेलो एंड वेलकम गाइस, टुडे वी विल स्टडी क्लास 11th इंग्लिश पोयम 2 द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूगेस ऑफ हॉर्नबिल्स पोएट्री। फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट थ्री स्टेंजर्स, फर्स्ट नीड इज दैट टू नो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम और व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द पोएट टू द रीडर। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया को देखते हैं और देखते हैं कि कवि ने इस पोयम के थ्रू रीडर को क्या मैसेज कन्वे किया है, उस चीज को देखते हैं, समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स सेंट्रल आइडिया की हम बात कर रहे हैं तो इस पोयम में स्पेशली दो चीजों की चर्चा की गई है। फर्स्ट हमारा लेबनम ट्री है। क्या है फ्रेंड? लेबनम ट्री, जिसको हिंदी में अमलतास का पेड़ कहा जाता है, अमलतास का वृक्ष कहा जाता है, जिसकी पत्तियां और फूल क्या होते हैं, येलोइश होते हैं, पीले कलर के होते हैं। और दूसरा यहाँ पर गोल्ड फिंच पंछी की बात की गई है, चिड़िया की बात की गई है, जो कि येलोइश कलर की होती है, येलो कलर की होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल पोयम इन विच द पोएट हैज यूज्ड द लेबनम ट्री एंड गोल्ड फिंच। मतलब कवि ने दो चीज़ों का इसमें स्पेशली वर्णन किया है, दो चीज़ें एज ए सिम्बुलाइजेशन यहाँ पर लिया है। पहला है लेबनम ट्री और दूसरा क्या है, गोल्ड फिंच पंछी, एज ए सिम्बुल ऑफ लाइफ उसको यूज किया गया है। एंड इट्स फ्लक्चुएशंस, मतलब उतार चढ़ाव, मतलब लेबनम ट्री और गोल्ड फिंच के द्वारा जो हमारे कवि ट्यूड ह्यूगेस है वह जिंदगी के उतार चढ़ाव को व्यक्त करना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं। कैसे फ्रेंड? आइए देखते हैं। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द विजिट ऑफ ए गोल्ड फिंच चेंजेस द लेबनम ट्री। मतलब जैसे फ्रेंड क्या है कि शुरुआत में आप स्टेंजा वन में देखेंगे कि लेबनम ट्री एकदम क्या है, शांत है, उसका जो टॉप है एकदम साइलेंट है और स्टील है, उसमें तनिक भी चहल पहल नहीं है, चहल कदमी नहीं है, टोटली बस साइलेंट है। लेकिन जैसे गोल्ड फिंच पंछी उस ट्री पर आती है तो उसमें क्या होता है, कंपन होने लगता है और फड़फड़ाहट होने लगती है, वाइब्रेशन सा होने लगता है ना, फ्लक्चुएशन होने लगता है। ठीक इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पर लाइफ के बारे में बताया गया है कि मनुष्य चाहे तो अपनी ज़िंदगी को नीरस बना दे, टोटली साइलेंट एंड स्टील बना दे, या मनुष्य चाहे तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ समझ करके उसको क्या कर सकता है, वर्थफुल बना सकता है ना, और क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेबल बना सकता है, नीरस नहीं बल्कि रसयुक्त बना सकता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, द गोल्ड फिंच ट्रांसफॉर्म्स द ट्री एंड मेक्स इट कम अलाइव एज द चिक्स ऑफ द गोल्ड फिंच स्टार्ट टू रसल एंड चर्प ऑन सीइंग हर। जिस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा है कि जो मदर गोल्ड फिंच होती है वह दाना चुग करके लाती है, उसके बच्चे क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब माँ आएगी और अपने चोंच से हमारे मुंह में दाना डालेगी और हमको फीडिंग करेगी। तो जैसे ही मदर गोल्ड फिंच अपने चिक्स के पास आती है, अपने बच्चों के पास आती है, तो बच्चे अपनी माँ को देख करके चहचहाने लगते हैं, है ना, रसलिंग करने लगते हैं, फ्लटरिंग करने लगते हैं, है ना, और उनके पंख में क्या होती है, फ्लटरिंग चालू हो जाती है, फड़फड़ाहट सी होने लगती है फ्रेंड्स, और वो चर्पिंग करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, माँ को देखकर इतनी खुशी मिलती है कि अब हमारा पेट भर जाएगा, हम सुकून से रहेंगे। तो फ्रेंड्स वही चीज़ यहाँ पर बतलाया गया है कि जिस तरह से जो चीक्स ऑफ गोल्ड फिंच स्टार्ट टू रसल एंड चर्प ऑन सीइंग हर, अपनी माँ को देखकर जिस तरह से वो चहचहाने लगते हैं, है ना, रसलिंग करने लगते हैं, उनमें एक उत्तेजना सा हो जाता है, एक्साइटमेंट सा हो जाता है ना, कि माँ आगे हमको खाना खिलाए, हमको अच्छा लगेगा, काफ़ी देर से माँ का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी तरह से लेबनम ट्री एकदम साइलेंट है, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच उसके ऊपर उसकी डालियों पर आती है, चलती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे ट्री में कंपन सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि गोल्ड फिंच की कंपनी पा करके लेबनम टॉप एकदम हर्ष उल्लासित हो गया, एकदम खुशी का माहौल छा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि आफ्टर लिविंग द ट्री, है ना, जब गोल्ड फिंच उसको छोड़ के चली जाती है तो फिर से वो टोटली साइलेंट हो जाता है। जिस तरह से माँ के आने के बाद बच्चों में चहचहाट से चालू हो जाती है और माँ के दूर चले जाने के बाद बच्चे फिर से साइलेंट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड लेबनम ट्री और साथ ही साथ गोल्ड फिंच पक्षी की सिमिलरिटी दिखाई गई है ना फ्रेंड्स। वंस द गोल्ड फिंच लीव्स द ट्री, एक बार जब गोल्ड फिंच उस पेड़ को छोड़कर चली जाती है, इट बिकम्स क्वाइट एन स्टेज, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो लेबनम ट्री है वो सिंबलाइज कर रहा है किसको, द पैटर्न ऑफ आवर लाइफ,
इन जनरल, हमारी जिंदगी लेबनन ट्री के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, द पैटर्न ऑफ आवर लाइफ इन जनरल, मतलब जनरली हमारा जो लाइफ का जो पैटर्न है उसको हम समझ सकते हैं, विच इज यूजली डल, जो हमारी जो लाइफ है यूजली क्या है, जनरली डल है और नॉन लिविंग है, हमारी लाइफ क्या है, डल है और नॉन लिविंग है, मतलब यहाँ पर लेबनन ट्री मतलब डलनेस को दिखाया गया, नॉन लिविंग चीज को दिखाया गया है, इन इमिटेट करके दिखाया गया है, ओके फ्रेंड, मतलब हमारी जो लाइफ है वो डल है, बेकार है, नीरस है ना, निर्जू के जैसा है, ओके, और इंसान जब तक उसमें उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, उसको सही डायरेक्शन नहीं देगा बाय गेटिंग द गुड कंपनी, तब तक उसमें लिविंगनेस नहीं आएगी, उसकी जीवन सार्थक नहीं होगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द गोल्ड फिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न, जैसे हमने आपको बताया कि लेबनन टॉप क्या है, साइलेंट है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर गोल्ड फिंच पंछी आती है उसका जो पैटर्न है वो बदल जाता है, तो उसी तरह से यहाँ फ्रेंड बताया कि गोल्ड फिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न, पैटर्न ऑफ लेबनन टी मतलब पैटर्न ऑफ लाइफ उसको चेंज कर देती है एंड मेक्स इट लवली, और उसकी संगति पा करके वह क्या होता है, लिविंग हो जाता है, इन एनिमेशन जो है उसका खत्म हो जाता है, नॉन लिविंगनेस खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि वह भी बहुत खुश हो गया है ना फ्रेंड। उसी तरह से फ्रेंड जैसे आपने देखा है कि घर में यदि बच्चे ना हो तो बच्चे न होने की वजह से घर में बच्चियां ना हो, बच्चे ना हो, छोटे बच्चे ना हो, तो क्या होता है, घर एकदम नीरस सा लगता है, लगता है कि टोटली साइलेंट एंड स्टिल है, लेकिन जैसे घर में बच्चों के कदम पड़ते हैं है ना, बच्चियां होती हैं, उनकी हरकतें जो हैं, ऐसा लगता है उस घर को एकदम लिविंगनेस दे देता है, उसको सार्थक बना देता है, घर घर के जैसा लगने लगता है, वही चीज़ फ्रेंड यहाँ बतलाया गया है, विदाउट द गोल्ड फिंच द लेबनन ट्री इज जस्ट लाइक एनादर ट्री, मतलब जिस तरह से दूसरे पेड़ होते हैं उस पेड़ की तरह ही दिखता है, विदाउट द कंपनी ऑफ गोल्ड फिंच, इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट इज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, कि ये किसी व्यक्ति का एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ के प्रति, दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग, मतलब लोगों का जो नजरिया है, जो लोगों का एटीट्यूड है, वही लाइफ को क्या करता है, यूजफुल बनाता है, यूटिलाइजेबल बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, पर्पजफुल बनाता है, वर्थ लिविंग बनाता है, अदरवाइज जिंदगी क्या होती है, यूं ही गुजर जाती है, निरर्थक रह जाती है फ्रेंड। तो इस वजह से यहाँ पर कंपेरिजन करके बतलाया गया फ्रेंड कि लेबनन जो ट्री है वो टोटली साइलेंट है, लेकिन बाय गेटिंग द कंपनी ऑफ गोल्ड फिंच उसमें लिविंगनेस आ जाती है, उसकी जो जिंदगी है वो ऐसा लगता है कि मीनिंगफुल हो गई, सार्थक हो गई, पर्पजफुल हो गई, लेकिन जैसे उसकी संगति वो फिर से गोल्ड फिंच चली जाती है, फिर से वो अमलदास का जो पेड़ है साइलेंट हो जाता है, तनिक भी उसमें मोशन नहीं रहता है ना फ्रेंड, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी उसकी जिंदगी में रखा नहीं, वह नीरस हो जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, वन बाय वन देखते हैं, स्टेंजा वन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेंजा वन में जैसा मैंने आपको बताया शुरू में ही फ्रेंड्स, लेबनन ट्री के बारे में वो पूरी तरह से शांत है, साइलेंट एंड स्टिल है, और लास्ट में जब गोल्ड फिंच छोड़ के चली जाती है तो फिर से साइलेंट एंड स्टिल हो जाता है, मतलब पहले और तीसरे में उसकी जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, यूजुअल पैटर्न ऑफ लाइफ उसको शो किया गया है, और बीच की जो सेकंड स्टेंजा है उस सेकंड स्टेंजा में बताया गया है कि किस तरह से अमलतास का जो पेड़ है उसकी डालियों पर, उसकी पत्तियों में, उसके फूलों में एक प्रकार की क्या होती है, उसकी पूरी बॉडी में एक प्रकार की चहलकदमी होती है, शोर शराबा होता है, और ऐसा लगता है कि वो भी लिविंग बींग है, वाह कितना सुंदर है, है ना फ्रेंड। तो मतलब जो लिविंगनेस आई है लेबनन टॉप में उसको स्टेंजा टू में एक्सप्लेन किया गया है बाई टेड ह्यूगेस फ्रेंड। आइए देखते हैं स्टेंजा वन को, द लेबनन टॉप इज साइलेंट, लेबनन जो अमलतास का जो पेड़ है उसका जो शीर्ष वाला पोर्शन जो टॉप है वह क्या है, साइलेंट है और क्वाइट स्टिल है और बिल्कुल ही स्थिर है, मतलब किसी प्रकार का मोशन नहीं है। और फ्रेंड्स, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, इसका मतलब फ्रेंड सितंबर महीने में यदि आप देखेंगे सूर्य की जो रोशनी होती है वो माइल्ड होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ मतलब उसकी रोज जो रोशनी पड़ती है पेड़ों पर तो ऐसा लगता है कि पत्तियां पीली पीली नज़र आ रही हैं, है ना फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ऑटम सीजन है जिसके वजह से अमलतास के जो सारे बीज हैं वो क्या हो गए, गिर से गए, जमीन पर गिर गए हैं, और फ्यू लीव्स येलोइंग, मतलब सूर्य की रोशनी में सितंबर महीने में है ना, सूर्य की रोशनी में क्या हो रहा है, उसकी सारी पत्तियां, उसके सारे फूल येलोइस कलर के नजर आ रहे हैं, लेकिन जो टॉप आप लेबनन में वो क्या है, टोटली साइलेंट है ना फ्रेंड, स्टिल है, ओके फ्रेंड्स। आइए देखते हैं स्टेंजा टू में,
और ये जो शांति है, ये जो स्थिरता है, है ना, साइलेंट एंड स्टिलनेस, वो तब तक बरकरार रहती है टिल द गोल्ड फिंच कम, जब तक कि गोल्ड फिंच पक्षी नहीं आ जाती है। विथ ए ट्विचिंग चर्प, ट्विचिंग चर्प मतलब फड़फड़ाहट करते हुए, चहचहाते हुए जब चिड़ियाँ उसके ऊपर आती, उसकी डालियों पर चलती है, तो असडननेस मतलब एक अचानकता उत्पन्न होती है, स्टार्टलमेंट उत्पन्न होता है, सरसराहट से उत्पन्न होती है एट ए ब्रांच एंड। मतलब कहने का मतलब, जैसे ये लेबनन ट्री का ये फ्रेंड क्या है, मान लीजिए एक डाली है, जैसे उसके ऊपर गोल्ड विद पंछी आती है, एक सरसराहट से, एक वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है, एक सडननेस उत्पन्न होती है उसकी डालियों में, और ऐसा लगता है कि एक एंड से लेकर पूरे एंड तक ये सरसराहट, ये जो वाइब्रेशन है, है ना फ्रेंड, एक सनसनीपन जो है उसकी पूरी डालियों में आ जाती है, मतलब लिविंगनेस आने लगता है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और ये बतलाया गया कि गोल्ड फिंच पंछी उस डाली पे कैसे होती है, स्लिक करती, चूंकि चिकनी होती जैसे चिपकली होता है, उसी तरह से वो भी चिकना होता है, स्लिक करता है, चिपक करके चलता है, है ना, लिजार्ड के जैसा, छिपकली के जैसा, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। और साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसा लगता है कि लेबनम ट्री है उसकी डालियों में एक अलर्टनेस आ गई है, एक अब्रप्ट आ गया है, माने एक चौंकाने वाला, मतलब कहने मतलब लेबनम ट्री क्या होती है, लेबनन ट्री की डालियों पर ये जो पंछी है गोल्ड फिंच, वो क्या करती, स्लीक लाइक की लिजार्ड के जैसा धीरे छुप करके चलती है, है ना, और एक सचेतता और साथ ही साथ एक अब्रप्टनेस आ जाता है, एक चौंका देने वाला एक वाइब्रेशन आ जाता है उसकी डालियों पर, सी एंटर्स द थिकनेस, और वह क्या करती है फिर डालियों से होते होते वो कहाँ जाती है, आगे, चूँकि पत्तियाँ हैं, डालियाँ हैं, तो एक घना वहाँ पर डालियों के पत्तियों की, अब बोल सकते एक डेंसिटी नेस है, एक घनापन है, उसके अंदर वो एंटर करती है, सी एंटर्स द थिकनेस, उस थिकनेस में जहाँ डालियाँ पत्तियाँ सब एक जगह इकट्ठा हुई हैं, लग रहा है कि एकदम घना है, उसके अंदर डालियों से, एक डाली से होते हुए उसके अंदर एंटर करती है ना, एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टअप, और ऐसा लगता है कि मशीन चालू हो गया। कैसे फ्रेंड, अभी समझ में आएगा, आप चिटरिंग्स मतलब चहचहाट की आवाज़ चालू हो जाती है, कहने का मतलब ये फ्रेंड, जिस तरह से आप इस तरह समझ सकते, सॉरी फ्रेंड, इस तरह से समझ सकते हैं कि डालियों पर एक चहचहाट से चालू हो जाती है। आप सपोज कर लीजिए कि एक से ज़्यादा गोल्ड फिंच पंछियाँ उसकी डालियों पर आई हैं, और वो क्या कर रही हैं, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो पूरे पेड़ पर क्या होती है, एक सनसनाहट ही, चहचहाट सी, चिड़ियाँ ची 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 करके करने लगती हैं, एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, एक हैप्पीनेस उत्पन्न हो जाता है, है ना फ्रेंड्स, और ऐसा लगता है कि ये मशीन की तरह से, मशीन चालू हो जाता है तो आवाज़ होती है, उस तरह से ऐसा लगता है कि लेबनन ट्री फिर से जिंदा हो गया, है ना, एज ए मशीन वह काम करती है, पूरे बॉडी को, है ना, जीवित कर दी, ऐसा लगता है कि जो लेबनन ट्री वो बोगी के समान है और ये इंजन के जैसा काम करती है ना फ्रेंड्स। आप चिटरिंग्स मतलब चहचहाट की आवाज़ होती है, एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स, और पक्षियों की जो पंछियों की पंखों की फड़फड़ाहट होती है, एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरे पेड़ पर क्या होती है, ट्रिलिंग होने लगती है, और पूरा पेड़ क्या होता है, कपकपी करने लगता है, थ्रिलिंग करने लगता है, एक सरसराहट होती है, एक वाइब्रेशन हो जाता है, मतलब कहने का मतलब है पेड़ के हर एक हिस्से में कंपन चालू हो जाती है, सरसराहट हो जाती है, ऐसा लगता है वो फिर से लिविंग बींग हो गया, क्योंकि शुरू में क्या था, एकदम शांत था, लेकिन पंछियों की कंपनी पा करके उसका एक एक हिस्सा क्या होता है, थ्रिलिंग करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, हैप्पीनेस व्यक्त करने लगता है, लिविंगनेस दिखाने लगता है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। जिस तरह से आप जान रहे फ्रेंड्स कि शुरू में मैंने आपको बताया कि अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह काम करती है, इंजन मतलब एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है, उसी तरह से लेबनन ट्री के लिए एक एनर्जी स्रोत होती है, आप जानते हैं हायर टू लोअर एनर्जी अपने आप फ्लो करती है, तो इनसे जो एनर्जी है ट्रांसफर होती है किसको, लेबनन ट्री को, है ना, जब ये छोड़कर चली जाती है तो फिर से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है, रुक जाता है, सी स्टोक्स इट फुल, और वह क्या करती है, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखती है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब वो दाना लेकर के आती है तो सारे बच्चों को बराबर खिलाती है, भरपूर खिलाती है, उसी तरह से वो अपने
इस फैमिली के लिए इंजन की तरह काम करती है, उसको भरपूर उसका भरण पोषण करती है, उसको ईंधन ग्रुप में काम करती है, भरपूर उसका न्यूट्रिशन करती है, उसका पोषण करती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद पंख को फड़फड़ाते हुए क्या करती है, ब्रांच के उस डाली की क्या होती है, एंड तक पहुंच जाती है, शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास, और उसके बाद मुड़ करके देखती है और ट्री को दिखा देना चाहती है कि तुम देख लो मेरे चेहरे पर जो स्ट्रिप्स हैं, जो धारियां, उसको देख लो, मैं ही हूँ, कोई और नहीं। जिस तरह से फ्रेंड आपने देखा हो कि चिक्स जो होते हैं गोल्डफिश के, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको माँ क्या करती है, दाना लेकर के आती है और उनको अपना चेहरा दिखाती है कि ये मेरी आइडेंटिटी मास्क, इसको देख लो, फिर जब मैं दोबारा आऊँगी तो इसी मास्क से तुम मेरे को आइडेंटिफाई करना। ओके फ्रेंड, उसी तरह से वो क्या करती है, उसमें लाइफ लिविंगनेस देने के बाद फिर जब छोड़ करके जाती है तो एक बार मुड़ करके देखती है और अपनी जो स्ट्रिप्स फेसेस हैं वह क्या करती है, एज एन आइडेंटिटी मास्क जो है लेबनम ट्री को दिखाती है कि देख लो, है ना, मैं कौन हूँ, मैं जब दोबारा आऊँगी तो पहचानना मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में फ्रेंड जब फिर से शांति छा जाती है और साथ ही साथ क्या बोलते हैं साइलेंट एंड क्वाइट स्टिलनेस फिर से आ जाती है, कैसे फ्रेंड, देन विद स्ट्रेंज एरी मीन्स स्ट्रेंज डेलीकेट विसल्स चर, तो उसके बाद क्या होता है कि एक अजीबोगरीब मधुर सी विस्लिंग करते हुए, चहचहाट करते हुए, आवाज करते हुए, विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे, फुसफुसाहट करते हुए, एक प्रकार की आवाज करते हुए वह लेबनम ट्री को छोड़ करके फिर से दूर चली जाती है टूवर्ड्स द इन्फाइनेट, और इन्फाइनेट में चली जाती है एंड द लेबनम सब साइड टू एम्प्टी, और जो लेबनम के जो सब साइड्स हैं वो फिर से खाली हो जाते हैं, फिर से शांत हो जाते हैं, उनकी चहल कदम और उसमें जो वाइब्रेशन था, हैप्पीनेस था, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि क्या गजब का मैसेज इस पोएम के थ्रू टेड ह्यूगस ने रीडर्स को देने की कोशिश की है कि बाय गेटिंग द गुड कंपनी लाइफ इज वर्थफुल, मीनिंगफुल, पर्पजफुल, बट इफ देर इज नो गुड कंपनी, देर इज नो गुड ideas in the life, then life is of no meaning, life is meaningless, purposeless. So I think friend, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. Okay, bye. Thanks for watching.